एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म सीरीज़ में यूरिया साइकिल के बारे में। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल के पढ़ने को। पढ़ेंगे यूरिया साइकिल, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड में, जिसमें मैंने आपको ट्रांसएमिनेशन के बारे में बताया था, जिसमें रिमूवल ऑफ अमोनिया होता है। इसमें तीन प्रोसेस होता है, देखिए, या तो ये यूरिया या एक्सक्रीशन में यूज हो जाता है, या सिट्रिक एसिड साइकिल में इसका यूज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे यूरिया साइकिल में इसका यूज़ होता है। फिर मैंने ट्रांसएमिनेशन के बारे में आपको बताया था, कैसे इसमें कन्वर्जन होता है अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का अल्फ़ा कीटो ग्रुप में, इसमें ग्लूटामेट का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। तो मोस्ट ऑफ एनिमल कन्वर्ट एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, जो बहुत बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर ऐसे एनिमल होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में, प्रायर टू एक्सक्रीटिंग, और एक्सक्रीट के फॉर्म में इसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में निकालना थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिसिटी उसकी होती है, इस वजह से यूरिया के फॉर्म में निकाले जाते हैं। और ये मेनली अकर इन लीवर, ये हम लोग के मेनली किस ऑर्गेन में होता है, लीवर, जो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। अगर कोई पूछे आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है तो वो है लीवर, ठीक है। और इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, टू नाइट्रोजन एटम ऑफ यूरिया इंटर इन द यूरिया साइकिल। दो नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, यूरिया साइकिल में इंटर करते हैं एज अमोनिया। किसके फॉर्म में, अमोनिया, जो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, वाया ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करके ग्लूटामेट जो है अल्फा कीटोग्लिट्रेट प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको आगे बताया, आप आगे के इसके लेक्चर्स देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का यूज़ करके क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, ग्लूटामेट या अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, एंड एज अमीनो नाइट्रोजन एस्पार्टेट। किसके फॉर्म में, अमीनो नाइट्रोजन एस्पार्टेट के, नाइट्रोजन ऑफ एस्पार्टेट के फॉर्म में ये क्या होता है, एंटर करता है किसमें, यूरिया साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया है अमोनिया एंड कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनिल सी ग्रुप दैट विल बी पार्ट ऑफ यूरिया, जो पार्ट यूरिया के पार्ट होते हैं, आर इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट इन कार्बामोइल फॉस्फेट। सबसे पहले ये किसमें, कार्बामोइल फॉस्फेट में, ये कार्बामोइल है, यहाँ पे एल रहेगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जिसके अमोनिया और कार्बोनेट होते हैं वो किसके फॉर्म में, कार्बामोइल फॉस्फेट के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें सबस्ट्रेट फॉर दिस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाई कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट। इस रिएक्शन में जो कैटालाइज इसको करता है वो कौन करता है, ये कार्बामोइल फॉस्फेट के रूप में पहले इनकॉर्पोरेट होंगे, फिर इसको सिंथेसाइज कौन करेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज वन, सिंथेटेज, सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस होता है, तो यहाँ क्या है, सिंथेटेज वन, जिसको CpS1 भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज, ये बिकॉज लिखा हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ तो आप लोग इसको समझिएगा, ये बिकॉज लिखा हुआ है, क्योंकि टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिक्वायर्ड इन कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज, दिस रिएक्शन इसेंशियली इरिवर्सिबल। देखिए, क्योंकि दो ATP का रिक्वायरमेंट होता है, सिंथेटेज का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, ATP का रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे क्या होता है, ATP यूटिलाइज होती है तो उसे सिंथेटेज कहते हैं, और जहाँ ये ATP का यूज़ नहीं होता उसे सिंथेज बोला जाता है। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, सिंथेटेज यहाँ क्या होता है, ATP रिक्वायर्ड होता है, और सिंथेस जो होता है वहाँ ATP का यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो ये डिफरेंस आप समझिएगा, प्राची मैम ने होप आपको बताया होगा, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बताया होगा तो उसमें उन्होंने बताया होगा, आप जाके बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बामोइल फॉस्फेट क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, इसेंशियली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। कार्बामोइल फॉस्फेट सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विथ ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रोलिन। ये सबसिक्वेंटली मतलब एक सीक्वेंस में किससे रिएक्ट करता है, ऑर्निथिन एक कंपाउंड पाया जाता है, ऑर्निथिन, ठीक, ऑर्निथिन एक कंपाउंड पाया जाता है जिससे रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, सिट्रुलिन, CITRULLINE,
क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है। ठीक, उसके बाद सिट्रुलिन क्या होता है, सिट्रुलिन पासिस इनटू साइटोसॉल एंड नेक्स्ट थ्री स्टेप टेक्स प्लेस इन साइटोसॉल। अभी तक के जो स्टेप्स हैं वो कहाँ पे हो रहे थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होंगे, वो कहाँ पे होंगे, वो आपके साइटोसॉल में होंगे। ये सारे स्टेप यहाँ तक सिट्रुलिन का बनना, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस लगा के और नेथिन से सिट्रुलिन का बनना, ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब ये क्या होंगे, बाकी आगे के प्रोसेस कहाँ होंगे, साइटोसॉल में। जब मैं अभी इसका साइकिल आपको दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं तो थियरी पोर्सन आपको समझा रही हूँ कि कैसे होता है। सिट्रुलिन के बाद ये नेक्स्ट थ्री स्टेप साइटोसॉल में होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा किसके द्वारा, बाई एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ सिट्रुलिन विथ एस्पार्टेट। एस्पार्टेट के साथ सिट्रुलिन जो है एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस करके, मतलब एटीपी को लेकर, एटीपी का यहाँ रिक्वायरमेंट है, आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। इसमें क्या होगा, एस्पार्टेट प्रोवाइड सेकेंड नाइट्रोजन दैट अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूरिया। एस्पार्टेट क्या होता है, सेकेंड नाइट्रोजन यहाँ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट नाइट्रोजन आपने देखा था कहाँ से आया था, ग्लूटामेट से आया था। ठीक, ग्लूटामेट से फर्स्ट नाइट्रोजन आया, सेकेंड नाइट्रोजन किससे आ रहा है, एस्पार्टेट से आ रहा है, इनटू इनकॉर्पोरेट होता है किसमें, यूरिया साइकिल में। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन फ्रॉम आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट से किसका फॉर्मेशन होगा, फिर आर्जिनिन का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन रिलीज फ्यूमरेट। ये रिएक्शन क्या होता है, फ्यूमरेट रिलीज करता है। अब आपको फ्यूमरेट याद आ रहा होगा, जब आपने क्या पढ़ा था, क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल में फ्यूमरेट आता है, फ्यूमरेट के बाद फिर मैलेट आता है, मैलेट के बाद फिर ऑक्सैलोएसीटेट आता है। ठीक, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा जो कि इसमें एंटर कर जाएगा आपके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, TCA में एंटर कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड रीजनरेशन ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। इसमें फिर यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑर्निथिन का फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा। नेट रिएक्शन क्या होता है यूरिया साइकिल का, देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए ये इसका नेट रिएक्शन बताया गया है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, अमोनिया लिया जाता है, एस्पार्टेट लिया जाता है। ठीक, ये अमोनिया कहाँ से आता है, ग्लूटामेट से आता है। तीन ATP यूज होता है और दो H2O मॉलिक्यूल यूज होता है। यहाँ पे फिर NH2, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH2, ये है आपके यूरिया का फार्मूला। यूरिया बनता है, फिर फ्यूमरेट बनेगा, उसके बाद यहाँ पे दो ADP रिलीज होता है और एक AMP मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक, क्या होगा, इससे ADP बनेगा और AMP मॉलिक्यूल, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होते हैं, एंडरगॉनिक प्रोसेस होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ATP आपको देना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट आर कंज्यूम्ड इन सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। मतलब तीन ATP का यूज हो रहा है, मतलब हाई एनर्जी फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट का हाई मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, हाई एनर्जी फॉस्फेट यूज हो रहा है किसको, यूरिया को बनाने में, सिंथेसिस ऑफ यूरिया में, मतलब यूरिया को बनाने में हमारे बॉडी में फॉस्फेट इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यूरिया के फॉर्मेशन में जो एक्सक्रीट के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं उसमें क्या होता है, फॉस्फेट का की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। ये देखिए आपको यूरिया, ये आगे मैं आपको बताती हूँ, पहले यूरिया साइकिल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे यूरिया साइकिल बनाया गया है। सबसे पहले क्या लिया गया है, HCO3 और NH4+ लिया गया है, कार्बोनेट और अमोनिया मॉलिक्यूल लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए कार्बामोइल सिंथेटेज फर्स्ट, यानी कि CpS1 लिया गया है फर्स्ट। ये 2 ATP को 2 ADP में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये प्रोसेस किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी प्रोसेस किस में हो रहा है, साइटोसॉल में, यहाँ देखिए साइटोसॉल में। ठीक, फिर ये क्या कर रहा है, सिट्रुलिन को, रुकिए मैं इसको इंक्रीज करके पढ़ाती हूँ। ये देखिए कार्बामोइल फॉस्फेट लगा, PI निकल गया, सिट्रुलिन किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, आर्निथिन को, सिट्रुलिन को आर्निथिन में। ठीक, आर्निथिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रुलिन। फिर ये सिट्रुलिन किस में कन्वर्ट कर देगा, ये देखिए यहाँ पे सिट्रुलिन कन्वर्ट कर देगा आर्जिनोसक्सिनेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये ATP को यहाँ पे देखिए, एक मॉलिक्यूल ATP यहाँ लग रहा है और दो मॉलिक्यूल ATP आगे लग चुका है। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज यहाँ पे एंजाइम लगेगा, ये एस्पार्टेट को AMP में कन्वर्ट करेगा और क्या बना देगा, आर्जिनोसक्सिनेट बना देगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें देखिए क्या होगा, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन बनेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज। ठीक, लाइएज एंजाइम का क्या
यूज़ होता है, इसको आपने पढ़ा होगा, एंजाइम जब पढ़ाया गया होगा, तो ये क्या करता है, आर्जिनिन में कन्वर्ट कर देता है और फ्यूमरेट को बाहर निकाल देता है। ये फ्यूमरेट फिर कहाँ यूज हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है, ठीक है। फिर आर्जिनिन क्या करता है, आर्जिनिन इसको फिर से आर्निथिन में कन्वर्ट कर देता है और ये फिर यूरिया मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाता है, एक H2O निकलता है और आर्जिनेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल क्या हो रहा है, ये साइकिल एक साइक्लिक फॉर्म में ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल लेकर हम लोग कार्बामोइल सिंथेटेज लगा रहे हैं, जो कि दो मॉलिक्यूल ATP लग रहा है यहाँ पे। आप अगर पूछा जाए आपसे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मॉलिक्यूल ATP लगते हैं, तो दो मॉलिक्यूल ATP लगता है। फिर ये कार्बामोइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करेगा, और निथिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट कर देगा, फिर सिट्रोलिन इसको आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ तक साइटोसॉल में, और ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। ये आर्जिनोसक्सिनेट फिर आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, आर्जिनिन में, ठीक, आर्जिनिन सक्सिनेट लाइज की उपस्थिति में, और फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा, फिर आर्जिनोस लगेगा आपका यूरिया, यहाँ से यूरिया मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूरिया निकल जा रहा है, H2O निकल जा रहा है और आर्जिनेज लग रहा है। फिर आर्जिनिन और निथिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइकिल बार बार इसी तरह लगती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि तीन कैसा मॉलिक्यूल लग रहा है, तीन ATP मॉलिक्यूल लग रहा है, मतलब हाई फॉस्फेट का यूज़ किया जा रहा है। एक दो H2O मॉलिक्यूल लग रहा है, CO2NH4 लग रहा है, एस्पार्टेट लग रहा है, और क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, यूरिया बन रहा है, फ्यूमरेट बन रहा है जो क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाएगा, यूरिया बाहर निकल जाएगी और ADP और AMP का फिर से क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में फॉस्फेट ऐड करके यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन कैसे होता है यूरिया साइकिल का, ठीक। तो यूरिया साइकिल ऑपरेट्स ओनली टू एलिमिनेट एक्सेस नाइट्रोजन, ये इसका क्या प्रोसेस है, सिर्फ एक्सेस नाइट्रोजन जो हम लोग की बॉडी में होता है, जो हम लोग बाहर से नाइट्रोजन लेते रहते हैं, और बहुत सारे नाइट्रोजन जैसे आर्जिनिन, एस्पार्टेट जो हमारे किस में पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, उन सारे को क्या करता है ये यूरिया में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है एक्सक्रीट के फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ साइकिल अकर्स प्रिंसिपली एट CPS1, कार्बामोइल फॉस्फेटेज सिंथेज क्या करता है, इसका शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करता है, विच इज़ इनएक्टिव इन एब्सेंस ऑफ इट्स एलेस्टेरिक एक्टिवेटर एन एस्टिल ग्लूटामेट। ये तब तक इनएक्टिव रहता है, ये तब तक काम नहीं करता है जब तक इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एन एस्टिल ग्लूटामेट इसको नहीं मिल जाता है। CPS1 क्या होता है, हमेशा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा रहता है, लेकिन ये तभी एक्टिवेट होगा जब इससे आके एन एस्टिल ग्लूटामेट आके बाइंड करेगा, तभी ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस मेटाबोलाइट सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूटामेट एंड एस्टिल कोएंजाइम ए बाई एन एस्टिल ग्लूटामेट सिंथेसिस। और एन एस्टिल ग्लूटामेट कैसे बनता है, ये मेटाबोलाइट कैसे सिंथेसाइज होता है, जब ग्लूटामेट और एस्टाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होता है, किसकी प्रेजेंस में, एन एस्टिल ग्लूटामेट सिंथेस के प्रेजेंस में, जब इन दोनों रिएक्शन ग्लूटामेट और एसिटाइल को एंजाइम का जब रिएक्शन होता है, तब क्या बनता है, एन एस्टिल ग्लूटामेट बनता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पे क्या है, यूरिया साइकिल सॉरी क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है एस्टिल को एंजाइम, जो पाइरूवेट ऑक्सीडेशन के समय मैंने आपको बताया था कि पाइरूवेट ऑक्सीडेशन जब होता है तो एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है, तो वही एस्टिल कोएंजाइम का यहाँ पे यूज हो रहा है। देख रहे हैं आप, एस्टिल कोएंजाइम ए ग्लूटामेट और यहाँ पे एन एस्टिल ग्लूटामेट सिंथेस जो ये मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, कैटालाइज करेगा, मतलब इसकी रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा, यहाँ पे एन एस्टिल ग्लूटामेट बन जाएगा और कोएंजाइम ए एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट गया है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोएंजाइम ए, ठीक, कोएंजाइम ए क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड कार्बन स्केलेटन, जैसा कि अब इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप अमीनेशन और डीअमीनेशन होता है, ये मैं पढ़ा चुकी आपको, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, ये भी मैंने आपको बताया कैसे होता है। थर्ड प्रोसेस इसमें क्या होता है, कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, तो थर्ड प्रोसेस मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, तो तीसरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर देन डिग्रेडेड टू फॉर्म 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड डिग्रेड होकर 7 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं, दैट इज कौन कौन से, एस्टिल कोएंजाइम ए, एसिटोएस्टिल कोएंजाइम ए,
पायरुवेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फ्यूमरेट, ऑक्सलोएस्टेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बनते हैं। और इनको कैसे डिवाइड किया गया है, दे डिवाइडेड एज ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड सुगर, किससे बने होते हैं, ग्लूकोज से बने होते हैं। कीटोजेनिक एमिनो फ्रॉम कीटोज ग्रुप जो क्या है, लाइसिन और ल्यूसिन, दो एमिनो एसिड है। ग्लूकोकीटोजेनिक क्या क्या है, ये आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये आप देख सकते हैं वाइफ का मतलब टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एनालिन। इन अमीनो एसिड्स को छोड़ कर रेस्ट ऑफ सारे अमीनो एसिड क्या हैं, ग्लूकोजेनिक हैं। ठीक है, ग्लूकोजेनिक मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया है कि ग्लूकोजेनिक और ग्लूकोकीटोजेनिक क्या होते हैं। तो ये सारे अमीनो एसिड, रेस्ट ऑफ जितने भी अमीनो एसिड होंगे, मैंने अमीनो एसिड के लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें से आप देखिएगा इन लाइसिन ल्यूसिन को निकाल कर, और आई टी वाइफ, इतनी सुंदर वाइफ आप ऐसे इसका बना सकते हैं, इतनी सुंदर वाइफ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ग्लूको कीटोजेनिक और कीटोजेनिक को निकाल के जितने भी अमीनो एसिड हैं वो क्या है, ग्लूकोजेनिक होंगे। ठीक, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, इन सातों क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जो यहाँ पे ये सातों मॉलिक्यूल हैं, इन सातों मॉलिक्यूल का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कैसे इसमें फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, जो एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पाइरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या टायरोसिन क्या बनाते हैं, एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। ल्यूसिन, लाइसिन, फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये सब एस्टील एसिटोएस्टील कोएंजाइम ए बनाते हैं। उसके बाद से ऑक्सलोएसिटेट से पेप मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, फ्यूमरेट कैसे बनता है, ऑक्सलोएस्टेट कैसे बनता है, एस्पराजिन और एस्पार्टेट से, एस्पार्टेट, फिनाइल एनालिन और टायरोसिन से फ्यूमरेट बनता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, टीसीए के मॉलिक्यूल, टीसीए साइकिल के क्या हैं मॉलिक्यूल। सक्सिनिल कोएंजाइम कैसे बनता है, आइसोल्यूसिन, मिथाइलिन और ये थ्रियोनिन, वैलिन के द्वारा बनता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट कैसे बनता है, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, इन सब से। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं, पायरुवेट से क्या बनता है, एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है। ये पूरी क्रेब्स साइकिल दी हुई है, तो पायरुवेट से एस्टिल कोएंजाइम ए, फिर सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, ऑक्सलोएसिटेट, मैलेट। यहाँ पे तो यहाँ पे सारे एंजाइम्स को बताया गया है। तो जो ये सातों मॉलिक्यूल हैं, पायरुवेट, एस्टिल कोएंजाइम, एस्टोएसिटेट, ऑक्सलोएसिटेट, ठीक है, ये सारे अमीनो एसिड यहाँ पे बनाया गया है, बताया गया है कि ये सारे कौन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो मतलब ये कार्बन स्केलेटन बना रहे हैं, मतलब एक कार्बन का स्केलेटन तैयार कर रहे हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स में कार्बन पाया जाएगा, ठीक है, ऐसे पाया जाता है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, कार्बन स्केलेटन का भी फॉर्मेशन करते हैं। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड जब होता है, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल, जैसे एसिटिल एसिटोएस्टिल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहे हैं, पायरुवेट बना रहे हैं। ये छोटे छोटे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो होप गाइज आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि यूरिया साइकिल कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, यूरिया साइकिल कैसे रेगुलेट होता है, एमिनेशन ट्रांस एमिनेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस। फिर अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में तीनों चीज़ें थी, ये मैंने आपको बताया था, रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड, अमीनेशन, ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनिया इनटू यूरिया, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड स्केलेटन इनटू कार्बन मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट, ये सारी चीज़ें। ये शुरू में मैंने आपको कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि क्या होता है, सारी प्रोसेस आपको क्या पढ़नी थी कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरह बने रहिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।